नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं दोस्तों टीआरसी टेक। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक टेक्निकल फॉल्ट बताने वाला हूं, जो मदरबोर्ड आप रिपेयर जो भी करते होंगे या आईटी इंडस्ट्री में या अपना कोई शॉप होगा या कोई भी आप काम करते होंगे या आपका सिस्टम है खुद का, तो आप खुद कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्या क्या हमें चेक करना चाहिए टेक्निकल फॉल्ट में, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एएमडी या जो आपका डेस्कटॉप है, सिस्टम है या मदरबोर्ड है, तो उसमें क्या होता है, डिस्प्ले नहीं आता। तो उस प्रॉब्लम को कैसे हम ठीक करते हैं उसे हम देखेंगे आज, ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, तो उसी बेसिक सेटअप के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं मदरबोर्ड की ओर ले जाता हूँ, ठीक है। तो और आपको दिखाता हूँ कि क्या फॉल्ट आ रहा है हमें देखने को, ठीक है। तो मैं एक रैम लगाया हूँ इसमें 10 12 800 10 600 U। तो देखिए, ये जो डीबग कार्ड इसे बोलते हैं, इसे एनालाइजर या डीबग कार्ड बोलते हैं। इससे क्या है कि हमें पता चल जाता है एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या होता है। आपके सिस्टम में डिस्प्ले नहीं आएगा, तो ऑन करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम देखने को हमें मिलता है और इस इशू को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। जब आप कार्ड लगाएंगे तो ऐसे करेगा, ये देखिए रिस्टार्ट, बार बार रीसेट करेगा डेटा, ठीक है। एक बार हमें इस ऑफलाइन 04 आ गया देखिए, और डिस्प्ले भी नहीं आएगा, ठीक है। गोइंग टू स्लीप, चेक वीडियो केबल का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे वीजीए केबल लगा हुआ है, ठीक है। अगेन 0404 स्टक हो जाएगा डेटा, ठीक है, और डिस्प्ले नहीं आएगा। तो फिर एक बार रीसेट करेंगे इसे, तो देखिए यहाँ पे आएगा 10 आके फिर 0404 पे रुक गया है और डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ठीक है। या बार बार नंबर चेंज होता रहेगा, 10 आएगा, 10 आएगा, फिर कुछ टाइम डेटा बनाएगा, फिर आएगा, ऐसे इशू आता रहेगा। तो इसके बिहाइंड द सीन क्या होता है, मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए। देखिए यहाँ पे एक VRM, एक आप देखोगे यहाँ पे वो लगा होता है क्या बोलते हैं, जिसे आप बोल सकते हो कि ऐसे छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है, SMD कैपेसिटर। तो जल गया था तो मैंने उसे निकाल दिया, और इसमें जो रैम लग के आई थी, ये रैम लग गई 12 800 E रैम, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसमें लगा के, इस रैम को लगा के दिखा देता हूँ किससे क्या एरर आ रहा है। तो इस तरह से अपना डायग्नोस कर सकते हैं, ये 12 800 है, ठीक है, PC3L। तो इसको लगा देते हैं, ये भी PC3L है, 12 800 E। तो इसको लगा के दिखा देता हूँ क्या इशू आ रहा है, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। तो ए टेक्निकल फॉल्ट देखने के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। कोई भी इशू आए तो, समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए 10 आ गया, फिर बार बार ये ऐसे आता रहेगा 10, ऐसे मतलब बार बार रीसेट हो रहा है डेटा। देखिए LED ये रीसेट क्या होता है, हाई हो जाता है। देखिए ब्लिंक किया तो LED हाई हो गया, देखिए अभी रीसेट ब्लिंक कर रहा है, ये वाले LED ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरह से आप पता चल जाएगा आपको कि रैम का प्रॉब्लम है, ठीक है। आप रैम बदलिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। तो देखिए ये एलपीडिया का रैम है 10 600U का, तो हम इसे लगा कर देखेंगे, देखिएगा डिस्प्ले 100% आ जाएगा और डेटा भी हमारा स्टक नहीं होगा 0404 पे, और जब बीजीए केबल हमने लगा रखा है यहाँ पे तो डिस्प्ले भी आ जाएगा, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 3679 6299, और यहाँ पे डिस्प्ले भी आ जाएगा, देखिए सर, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बोर्ड का यहाँ पे आप मॉडल नंबर भी देख सकते हैं कौन सा है, ठीक है, ओके। तो एसर का वेरिटोन है M200 A55। A55 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, अगर आप देखेंगे इधर तो A55 इधर रैम सेक्शन के बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। F2 तो ये मदरबोर्ड है, ठीक है। F3 प्रेस करेंगे तो ये इग्नोर हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने सिस्टम का जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, मदरबोर्ड को ठीक कर सकते हैं। कई बार सीमोस बैटरी भी फॉल्टी होता है, 3 वोल्ट नहीं देता तो भी डिस्प्ले नहीं आता है। तो ये आप ज़रूर हमें बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले फॉल्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।